हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बनाए जाओ। बनाए जाओ पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक और नई रेसिपी लेकर आई हूँ, ब्रेड रोल। ये खाने में बहुत ही टेस्टी और चटपटे लगते हैं। आप इनके सामने कटलेट समोसा खाना भूल जाएंगे। और इनके अंदर मैंने चीज भी डाली है। ये खाने में बहुत ही अच्छी लगती है, बच्चों को तो बहुत ही पसंद है। देखिए, मैंने एक तोड़ के भी रखा है आपको दिखाने के लिए। देखिए, इस तरह से आप बनाएंगे तो बच्चे बड़े खुश होके खाएंगे। आप टिफिन में भी दे सकते हैं। तो देर किस बात की है, रेसिपी को शुरू करते हैं। ब्रेड रोल बनाने के लिए सामान चाहिए, ब्रेड, चीज क्यूब और स्लाइस, चार पांच आलू उबले, प्याज, हरी धनिया, अदरक, हरी मिर्ची, इन सबको बारीक काट लेंगे। अदरक को किस लेंगे बारीक। आलू को मैश करेंगे। आलू में डालने के लिए मसाला चाहिए, लाल मिर्च पिसी हुई, ये लाल मिर्च कुटी हुई, थोड़ा सा जीरा मन, चाट मसाला, आमचूर पाउडर, भुना जीरा, ये कुटा हुआ धनिया, धनिया कूट के डालेंगे तो इससे बहुत ही अच्छा स्वाद आएगा, काली मिर्च, मटर, नमक, इतना सामान चाहिए। तो आलू को मैश कर लेते हैं और प्याज इन सबको बारीक काट लेते हैं। आलू को मैश कर लिया है, इस तरह से मैश करना है। अब हम इसमें डालेंगे प्याज, अदरक, हरी मिर्ची, हरा धनिया, मटर, जीरा मन नहीं है आपके पास तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसकी जगह चाट मसाला, काला नमक, आमचूर, चाट मसाला, आमचूर थोड़ा ही डालें क्योंकि चाट मसाला डाला है, भुना जीरा, काली मिर्च, सूखा धनिया कुटा हुआ, ये जरूर डालें, इससे बहुत ही अच्छा मसाला बनेगा। लाल मिर्च कुटी हुई, नॉर्मली मिर्च जो अपन यूज करते हैं मसाले में, लाल मिर्च पाउडर, इतना सामान लगेगा। और नमक आप आलू के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, आपको जैसा स्वाद चाहिए वैसा नमक डाल सकते हैं। अब इसमें चीज को किस देंगे, जो क्यूब ली थी उसको पूरे को किस देंगे, इस तरह से किस के डालेंगे इसको, जिससे ये मसाले में मिल जाए। अब इसको सबको मिक्स कर लेंगे, हाथ की मदद से करेंगे जिससे ये अच्छे से मिक्स हो जाए। इस तरह से पूरे सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाला बहुत ही चटपटा बनेगा। इसी तरह से आप बनाएंगे तो आपका मसाला भी बहुत ही टेस्टी बनेगा, मसाले का ही तो स्वाद है उसमें। इस तरह से मसाले को तैयार कर लेंगे, इसे मिक्स करके तैयार कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा मसाला लेके इस तरह से पेड़े जैसे बना के रख लेंगे ब्रेड में भरने के लिए। जितना भरना है मसाला उतना लेके बना के तैयार कर लेंगे इस तरह से। इसके बाद हम ब्रेड के किनारे काटेंगे, चाकू से ब्रेड की किनारी काट देंगे इस तरह से, किनारियों को हटा देंगे। अगर आपको नहीं हटाना है तो मत काटें, वैसे भी बहुत अच्छे बनेंगे आपके, क्रिस्पी बनेंगे। तो किनारियों को हटा देते हैं। ये मसाला, ये पानी और ब्रेड की किनारी तो काटी ली, अब हम
इनको इसमें थोड़ा सा टच करेंगे पानी और दबा दबा के निकाल देंगे अच्छे से हथेली की मदद से, बिल्कुल पानी निकाल लेंगे। पानी रहेगा तो तेल बहुत पिएगा, इसलिए पानी बिल्कुल निकाल देना है। इसके बाद ये मसाला लिया मैंने, इसके सेंटर में रख देंगे बीच में और चारों तरफ से पैक कर देंगे ब्रेड से इस तरह से। जैसा आपको शेप देना है पानी बिल्कुल दबा दबा के निकाल देंगे इस तरह से, दबा दबा के पूरा शेप दे देंगे। ये हमारा एक तैयार हो गया। इस तरह से तैयार करके एक बर्तन में रख देंगे। इस तरह से पूरा पैक होना चाहिए, कहीं से खुला नहीं होना चाहिए। इसको रख देते हैं। एक हम चीज स्लाइस डाल के बनाएंगे भर के, प्लेन भी बना सकते हो। अगर आपको चीज नहीं डालना तो आप स्किप कर सकते हो मसाले में भी, और सिंपल मसाला तैयार कर लेना, वो भी बहुत ही अच्छे बनेंगे आपके। तो पहले इसको गीला किया, इसको दबा के निकाल दिया। अब हम ये मसाला लेंगे इस तरह से, इसको थोड़ा दबा के हथेली पे, और ये स्लाइस को हमने टुकड़ों में काट के रख लिया है। इसको गोल गोल इस तरह से गोल गोल करके इसके बीच में रख देंगे और इसको पैक कर देंगे इस तरह से। ये पैक किया, ये गीली ब्रेड है हमारी, इसके बीच में रख के इसको भी पैक कर देंगे। इस तरह से भी आप चीज के साथ भी पैक करके बना सकते हैं। इसको बच्चे बहुत पसंद करेंगे, आपसे रोज बनवा कर खाएंगे, और खाने में तो टेस्टी है ही और क्रिस्पी भी बनेंगे। तो आप इस तरह से इनको तैयार करके रख लेना और आधा घंटा इन्हें ऐसे ही रखे रहने देना, जिससे ये थोड़ा सूख जाए, इनका पानी मॉइस्चर थोड़ा कम हो जाए। जितना मॉइस्चर कम होगा उतना ही अच्छा क्रिस्पी बनेगा और ऑयल भी नहीं अंदर जाएगा। तो इस तरह से तैयार करके रख लेंगे। अब इनको थोड़ा सूखने देंगे और बाकी के भी तैयार कर लेंगे। आधा घंटा इनको कम से कम ऐसे ही रखे रहने देना, उसके बाद फ्राई करेंगे, इनको सेकेंगे। मैंने तैयार कर लिए हैं, देखिए इस तरह से तैयार करके इनको आधा घंटा के लिए रखे रहने देंगे, जिससे इनका मॉइस्चर कम हो जाए, थोड़ा सूख जाए, तो इससे इसमें तेल नहीं भरेगा। तो अब इनको आधा घंटे के लिए रख देते हैं। जब तक ये हमारे रेस्ट कर रहे हैं तब तक हम इसमें चटनी बनाएंगे। चटनी में डालने के लिए एक टमाटर, धनिया, ये सब मैंने धो के तब ली है, 3-4 हरी मिर्ची, अदरक का टुकड़ा, थोड़ी सी पुदीना और नमक। नमक चटनी के हिसाब से, आप चाहो तो इसमें लाल मिर्ची, जीरा और काला नमक ये भी डाल सकते हैं, लेकिन आज मैं सिंपल बना रही हूँ, क्योंकि हमारे वो चटपटा है, इसलिए चटनी थोड़ी सादा ही बनाएंगे। तो इसको पीस लेते हैं, फाइन पेस्ट बनाएंगे इसका। देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं हमारे, अच्छे क्रिस्पी बने हैं, कहीं से फटे नहीं हैं। देखिए बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी लगेंगे आपको।
इस तरह से इनको निकाल लेंगे। देखिए बिल्कुल ऑयल फ्री है, कहीं से तेल नहीं भरा है। अब इनको एक टिश्यू पेपर पे प्लेट पे निकाल लेंगे। देखिए कहीं तेल नहीं है, इनको भी निकाल लेंगे इस तरह से। अब दूसरे बैच को भी सेक लेंगे। बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। ऐसे हाथ से थोड़ा इस तरह से करके इस तरह से शेप दे दें तो बहुत ही अच्छा शेप आएगा इस तरह से। और धीरे से कढ़ाई में छोड़ दें इस तरह से। इधर से भी थोड़ा प्रेस कर दें इस तरह से। दूसरे बैच को भी इसी तरह सेक कर तैयार कर लेंगे। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे आपको हमारी नई नई रेसिपी मिलती रहेगी। अभी इनको थोड़ा सिकने देंगे, फिर कड़छी लगाएंगे। इसी तरह सारे ब्रेड रोल सेक कर तैयार करेंगे। इनको घुमा घुमा कर ही सेकना है। ये बच्चों को बहुत पसंद आते हैं, उनको टिफिन में भी बना के दे सकते हैं। आप तैयारी करके इस तरह से रख लें और सेक कर दे दें। चीज वाले तो बहुत ही पसंद करेंगे बच्चे। देखिए कितने अच्छे बन रहे हैं, गोल्डन ब्राउन होने तक इनको आराम से सेकेंगे। ये बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं, कुरकुरे करारे चटपटे। कटलेट समोसा पीछे छूट जाएंगे इसके आगे। इसी तरह से मसाला बनाए और पैक करके रख दें आधा घंटा जरूर, कम से कम आधा घंटा। ज्यादा रख सकते हैं तो और भी अच्छी बात है, लेकिन आधा घंटा तक इनको जरूर रखे रहने दें। इससे क्या, इसमें तेल नहीं भरता है, फिर इनकी नमी खत्म हो जाती है, नहीं तो तेल भर जाता है। ये ऑयल फ्री से कहेंगे बिल्कुल। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी जरूर बताएं, लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करें, सब्सक्राइब हमारे चैनल को नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। इनको अभी और सिकने देंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। ब्रेड रोल बनकर तैयार है, चटनी भी तैयार है और सॉस भी। आप इनके साथ खाएंगे तो आपको बहुत ही टेस्टी लगेंगे। ये खाने में बहुत ही क्रिस्पी और मसाला भी इनका टेस्टी बना है। आप इनको खाएंगे तो समोसे कटलेट भी खाना भूल जाएंगे। ये देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं। और मैं आपको एक तोड़ के भी बताती हूँ, इनका अंदर का मसाला देखिए कितना अच्छा लग रहा है, खाने में स्वादिष्ट। तो बनाइएगा ज़रूर। आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, प्लीज़ बनाइएगा ज़रूर।